नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से बिजनेस आते हैं, स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है, क्या स्टार्टअप के अंतर कवर होता है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लीगल तरीके से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है DPIIT, जो स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करता है, उनका रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होता है, कि स्टार्टअप के अंतर्गत कौन कौन सी एंटिटी, मतलब किस प्रकार का बिजनेस स्टार्टअप के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। यह जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, जब भी आपका बिजनेस स्टार्टअप के अंतर्गत बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। तो हम चलिए बात करते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो, या कोई LLP हो जो MCA के अंतर्गत या ROC के पास रजिस्टर्ड हो, इसके अलावा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर के पास रजिस्टर्ड हो, ये तीन एंटिटी हैं जो स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर्ड हो सकती हैं और स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट ले सकती हैं। कंपनी जो है वह 10 साल पुरानी नहीं होना चाहिए, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हुए, उसका इनकॉर्पोरेशन हुए 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपकी कंपनी 10 साल एक दिन की भी हो गई तो वो भी जो है स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड नहीं है। साथ ही कंपनी का जो पिछले 10 साल में किसी भी समय जो एनुअल टर्नओवर है वह 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जो आपकी कंपनी यदि है कंपनी की कैटेगरी में, तो कंपनी जो है ओरिजिनल एंटिटी होना चाहिए, उसका मर्जर डिमर्जर होके वो स्प्लिट नहीं हुई हो, ठीक है। और जो कंपनी का बिजनेस है LLP का या पार्टनरशिप फर्म का, वो इनोवेटिव है, मतलब उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ हो, कोई इम्प्रूवमेंट हुई हो, आपका जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है या जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो बिजनेस मॉडल है आपका, वो स्केलेबल होना जरूरी है, तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत हो पाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो सकती हैं। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन क्या प्रोसेस और क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। धन्यवाद दोस्तों।